शादी होते ही पहले माँ बाप चल बसे दोनों, और अब बेचारे का शौहर, बड़ी ही बदकिस्मत लड़की है। बदकिस्मत क्यों? अरे मैं क्या, पूरा मोहल्ला ही कह रहा है कि शादी के बाद साल के अंदर अंदर अपने शौहर को खा गई। बेवकी की जिंदगी से बेहतर है कि औरत खुदकुशी कर ले। बेवा औरत ना घर की रहती है ना घाट की। नैनतारा, क्या हुआ नैनतारा? आई एम सॉरी, हम आपके पेशेंट को नहीं बचा सके। रब दिला बिच रहे। क्या हुआ जरी को, डॉक्टर ने क्या कहा है? शायद पिछले दिनों की बेरामी और स्ट्रेस का नतीजा है। उन्होंने दो चार टेस्ट कहे हैं, शाम तक मिल जाएंगे। मेरी बच्ची बेचारी थक गई होगी, सारा सारा दिन तो काम में लगी रहती थी। मुझे और नैनतारा को तो होश ही कहाँ था। खाला क्यों शर्मिंदा कर रही है? मेरा फर्ज था। जीती रहो, अब बेटा तुम खूब आराम करना, बाकी सब कुछ मैं खुद देख लूंगी। आप कैसे देखेंगी सब खाला, आप तो खुद इतनी बीमार हैं, और नैनतारा को भी तो देखना होता है। वो तो आजकल खुद से भी बेनियाज है, उसका खाना पीना मैं ही तो देखती हूँ। मेरी खुशनसीबी है बेटा कि मुझे तुम जैसी बहू मिली, सारे घर को जोड़कर रखने वाली, हर किसी का एहसास करने वाली। दूसरों का एहसास भी कोई कोई करता है, अब नैनतारा कोई देख लें, इसका तो किसी का भी एहसास नहीं है। ये तक कि अपने होने वाले बच्चे का भी एहसास नहीं है, सारा दिन कमरे में ही पड़ी रहती है। नहीं बेटा, उसका तो दुख ही बहुत बड़ा है, इसीलिए तो कहते हैं चार महीने की इद्दत, जिसमें बीवी अपने शौहर का खूब गम मना ले, खूब रो ले। पर ना हमें तो तीन दिन से ज्यादा शोक मनाने की इजाजत ही नहीं है बेटा। आप कहाँ जा रही हैं बेटी? ना नहीं बेटा, तुम देखो इसे, मेरे नमाज का वक्त हो रहा है, मैं चलती हूँ। थैंक यू सो मच हम सबका एहसास करने का। खाला की वजह से आपको एहसास हुआ है ना, ना मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है। सिर्फ अहमियत? मैं तो सारे का सारा तुम्हारा हूँ, तुम्हें और क्या चाहिए? मुझे सब कुछ चाहिए। बस बहन, अल्लाह को यही मंजूर था। मैं तो उम्रे पे गई भी थी, वापस आकर पता लगा आप लोगों पे इतनी बड़ी कयामत गुजर गई, मेरा तो कलेजा ही हिल गया। सबर के सिवा हम कर ही क्या सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ऐसी जवान मौत अल्लाह ही सबर दे तो दे। हाय हाय, कैसी भरी जवानी में बेवा हो गई। शादी होते ही पहले माँ बाप चल बसे दोनों, और अब बेचारे का शौहर, बड़ी ही बदकिस्मत लड़की है। बदकिस्मत क्यों? अरे मैं क्या, पूरा मोहल्ला ही कह रहा है कि शादी के बाद साल के अंदर अंदर अपने शौहर को खा गई। बकवास कर रहे हैं लोग। आप क्या हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने आई है? अरे ये मैं नहीं कह रही, जो लोग कह रहे हैं मैंने तो वो बता दिया। आपको ज्यादा नशरियाती इदारा बनने की जरूरत नहीं है। आपसे जो कोई कुछ कह रहा है ना, उससे बोले कि मेरे पास आकर मेरे मुंह पर आकर कहे। मैं तो आपके बेटे का अफसोस करने आई थी। बस पहुंच गया आपकी फातिहा और अफसोस पहुंच गया हम तक। अरे लगता है फातिहा तो आप लोगों ने पढ़ ली लिहाज और मुरव्वत पे, भलाई का जमाना ही नहीं है, उल्टी आते गले पड़ती है। अब जाए यहाँ से। हाँ हाँ जा रही हूँ।
मुझे भी कोई शौक नहीं है ऐसे घर में आने का जहाँ ऐसी सबसकदम लड़की रहती है। अब ऐसे लोगों को घर में आने ही क्यों देती हैं? तुम फिक्र मत करो बेटा, मैंने भी उस खातून की ना खूब तबीयत साफ की। वैसे खाला, लोगों को भी एहसास नहीं होता। उस दिन अरमान की मैयत घर में ही थी और मोहल्ले की औरतों ने बातें करना स्टार्ट कर दी। रहने दो बेटा, लोगों को मुंह जुगाली करने के लिए कोई तो बात चाहिए होती है। ठीक कह रही हैं आप, अरमान के स्वयं वाले दिन भी बशीर साहब की अम्मा से लड़ाई होते होते रह गई मेरी। वो क्यों? कह रही थी कि बेवकी की जिंदगी से बेहतर है कि औरत खुदकुशी कर ले। बेवा औरत ना घर की रहती है ना घाट की। बस करो जरी, क्या फजूल बातें करती रहती हूँ, घबराहट होने लगी है मुझे। हाँ तो मुझे भी गुस्सा आ गया था। हेलो जी, फरहान बात करूं? जी जी, मेरे वाइफ के टेस्ट आने थे। जी जी फरहान, क्या बात है बेटा? अरे मैं क्या, पूरा मोहल्ला ही कह रहा है कि शादी के बाद साल के अंदर अंदर अपने शौहर को खा गए। मुझे भी कोई शौक नहीं है ऐसे घर में आने का जहाँ ऐसी सबसकदम लड़की रहती है। बेवकी की जिंदगी से बेहतर है कि औरत खुदकुशी कर ले। बेवा औरत ना घर की रहती है ना घाट की। या अल्लाह मैं क्या करूं, लोगों के तानों और बातों ने मेरी जिंदगी अजाब कर दी है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे ऐसे नहीं जी। अरमान के बगैर तो मैं वैसे ही मर चुकी हूँ, बस ये सांस ही बाकी है जो मैं खुद ही बंद कर दूंगी। हाँ हाँ, मुझे मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए मुझे। मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। अरे बेटा बोलो तो सही, हुआ क्या है? अम्मी अब आप दादी बनने वाली है। क्या? या अल्लाह तेरा शुक्र। तारा, अरे तारा, तारा क्या हुआ? नैनतारा को क्या सोची? रहने दे अम्मा, सब हमदर्दी हासिल करने के ड्रामे। अगर इसको मरना ही था तो अरमान की मौत के 25 दिन बाद तक का क्यों इंतजार किया इसने? अब मेरी बात समझ में आ रही है। जवान बेवा की हमदर्दी और सूखी झाड़ी लगी आग के बराबर है, कभी भी जोर पकड़ लेती है। इसी बात का तो डर है मुझे, ये जो नाकिन है ना, ये मेरी सारी खुशियां खा जाएगी, देखिएगा। क्या ऑल फॉल पक रही हूँ, अल्लाह का नाम लो। ठीक कह रही हूँ मैं अम्मा, जब भी मुझे कोई खुशखबरी मिलती है ना, ये कुछ ऐसा करती है कि सबकी तवज्जो उसकी तरफ हो जाती है। अब आज कल देख ले, मैं तो कहती हूँ इसकी जैसी इद्दत खत्म हो ना,
कोई लंगड़ा लूला देख करना सिर्फ सब करो। मेरा दिल तो चाहता है कि मैं तो उसको जान से ना। अरे डॉक्टर आ गया। डॉक्टर सब खैरियत? मरीजा की तबीयत कैसी है? डॉक्टर साहब कोई बुरी खबर मत सुनाइएगा। खाला उन्हें बोलने तो दीजिए। आई एम सॉरी, हम आपके पेशेंट को नहीं बचा सके। क्या नैनतारा? या अल्लाह ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है। मेरी नैनतारा हमें छोड़कर नहीं जा सकती। आप सब्र रखें, यही सच है। आप प्लीज मेरे साथ आए डेड बॉडी रिसीव करने। खाला नैनतारा भी हमें छोड़ के चली गई है अरमान के पास। Oh my God, क्या वाकई ऐसा हो चुका है इतनी आसानी से? मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि मेरी दुआएं इतनी जल्दी कबूल हो जाएंगी। थैंक यू अल्लाह। आप क्या लगते हैं मरहुमा के? जी बड़े भाई समझ लें। इनका रिश्ता क्या है मरहुमा से? मुझे डेथ सर्टिफिकेट में मेंशन करना है। मैं कि मेरे मरहूम भाई की बेवा है। आप इनके इन-लॉज हैं? जी क्यों, क्या हुआ? मैं तो समझ रही थी ये कोई सुसाइड का केस है, लेकिन ये मर्डर भी तो हो सकता है। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं तो वही कह रही हूँ जो आए दिन मैं हॉस्पिटल्स में देखती हूँ। एनीवेज पुलिस आएगी, आपका बयान ले लेगी। आप बॉडी आइडेंटिफाई करके यहाँ साइन कर दीजिए। ये तो नैनतारा है ही नहीं। क्या हुआ, ठीक तो हो तुम? कोई डरावना ख्वाब तो नहीं दिखा तुमने? हाँ शायद ख्वाब ही था। आप कब आए हॉस्पिटल से? मैं सभी आया हूँ। नैनतारा की तबीयत कैसी है? बेहतर है पहले से। खून ज्यादा नहीं बहा, स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई थी। डॉक्टर्स देख रहे हैं उसे। आप इतने थक गए हैं ना, किसी को आपका एहसास ही नहीं है। कौन एहसास नहीं करता मेरा? बुरा मत मानिएगा, लेकिन अरमान जब से फौत हुआ है आप सारी इन चीजों पर उलझ कर भूल ही गए कि बात को कबूल करो। कल रात हमें इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है, उसको सेलिब्रेट करने के बजाय आप हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहे हैं। सही, तुम्हें क्या लगता है? मुझे शौक है ये सब कुछ करने का। हाँ लेकिन नैनतारा को तो शौक है ना लोगों को पागल बनाने का, आपको पता है ना? देखो प्लीज, मैं इस वक्त बहुत थका हूँ। थक तो मैं भी बहुत गई हूँ, हमारी कोई प्राइवेट लाइफ ही नहीं। सरी नैनतारा को भी थोड़ा सा वक्त चाहिए इस सबसे निकलने के लिए। जब तक मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। क्या कह रही हो तुम? कुछ नहीं, आप सो जाइए। सोने का टाइम नहीं है, दोबारा हॉस्पिटल जाना है नैनतारा को डिस्चार्ज कराने के लिए। हम दोपहर तक वापस आ जाएंगे, तुम ऐसा करो कि अम्मी और खाला के लिए सैंडविचेस बना दो। चाहिए हाँ भाई, हम तो नौकर हैं ना, चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ। अल्लाह ने बड़ा करम किया आपा। अरे नुसरत तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो भाई। हाँ आपा, अब तो मैं भी सुकून में हूँ। वैसे आपा नैनतारा का क्या हाल है, बच्चा तो ठीक है ना? हाँ शुक्र है अल्लाह का, बच्चा भी ठीक है, आगे अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह रहम करे, उसके हालात तो रोज बरोज बिगड़ते जा रहे। इद्दत खत्म होने तक इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। अरे आपा कहाँ, इद्दत तो बच्चा होने तक रहेगी। हाँ।
अरे जाओ ना, मिठाई प्लेट में डाल के लाओ आपा के लिए। आपा का मुंह मीठा करवाओ, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है, जल्दी जाओ। आजकल की बची है ना बस। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, लेकिन घर के कुछ हालात ऐसे थे जिसकी वजह से मैं कोशिश करने के बावजूद भी नहीं आ सका। बट आई प्रॉमिस यू, इंशाल्लाह कल से मैं सर ये क्या कह रहे हैं आप मुझे ऐसे कैसे टर्मिनेट कर सकते हैं? मैं ऑफिशियल लीव पे हूं सर। आप हेलो Zareen? सुन लिया मैंने, टर्मिनेट हो गए ना आप? प्लीज तुम परेशान ना हो, मैं कोई और जॉब ढूंढूंगा। कैसे फिकर नहीं करूं, अच्छी जॉब्स बहुत मुश्किल से मिलती हैं। परेशान मत हो, ना कुछ कर लेंगे। उसे तसल्ली देने की जरूरत नहीं है, ये जो जॉब गई है ना, ये आपकी जज्बातियत और लापरवाही की वजह से गई है। मैं लापरवाह हूं? मैं जो अपनी फैमिली और घर की फिक्र करता है वो लापरवाह होता है? हमारी कहां फिक्र है आपको, हमारी फैमिली में मैं हूँ और हमारा होने वाला बच्चा बस। लेकिन आपको सोशल वर्क करने का भूत चढ़ा हुआ है। तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं मैं ठीक हूँ। अरे आपा, अब आपको मेरी जरी का बहुत ख्याल रखना होगा, ये ना हो कि आप नैनतारा में ही उलझी रहे। अरे नुसरत, बातों में तो तुम उलझा रही हो मुझे, मैं क्यों नहीं जरी का ख्याल रखूंगी, मेरे लिए तो दोनों एक जैसी हैं। मेरा मतलब है पूरे घर का बोझ तो मेरी जरी ने उठाया हुआ है ना, उसका भी तो कोई ख्याल रखने वाला हो ना। तुम फिक्र क्यों करती हो, फरहान है ना उसका ख्याल रखने के लिए। जाके देखो उसे, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। जरूरत से ज्यादा तो आपको उसकी फिक्र होने लगी है, खुद पे जरा कंट्रोल रखिए, वरना लोगों की जबानों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें क्या हुआ है, यहां से तुम अच्छी भली गई थी, अब तुम्हारा मुंह लटका हुआ है। मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं आप दोनों को सुनाने के लिए। अल्लाह खैर करे, क्या हुआ बेटा? फरहान को जॉब से निकाल दिया है, इतनी बार मैंने उनसे कहा था कि ऑफिस जाए, घर को छोड़े, लेकिन नहीं। ये तो अच्छा नहीं हुआ, अभी तो बुरे वक्त की शुरुआत है। अरे बेटा तुम क्यों इतनी परेशान हो रही, उसे जॉब मिल जाएगी ना, वो है कहाँ? नैनतारा के पास बैठे हुए हैं। आय हाय आपा, नैनतारा तो इद्दत में है ना, उसे तो ना महरम से पर्दा करना चाहिए ना। अरे वो कहाँ अपने कमरे से निकलती है, अब जाहिर है एक ही घर में रहते हुए आमना सामना तो हो ही जाता है। नहीं नहीं आपा, नैनतारा को तो एहतियात करनी चाहिए, घर वालों की तो खैर है, अगर किसी और ने देख लिया तो सौ सौ बातें बनाएंगी। मैं समझाऊंगी उसे, भी सदमे में है बेचारी। आए लो, वो सदमे में है, हाथों में लाल लाल चूड़ियां, रंग बिरंगे कपड़े, ये कैसा सदमा है आपा? हमें किसी को इस बात का ख्याल ही नहीं आया। उफ़ अम्मा, मैं देख लूंगी ना इन चीजों को। हाँ सरी, तुम्हारी तो उससे अच्छी दोस्ती है ना, तुम उसे समझाओ कि एक बेवा को ये सब कुछ जेब नहीं देता,
بلکہ میں تو کہتی ہوں ایسا کرو, بازار سے جا کے کوئی سفید جوڑا لے, اسے بھی احساس ہوگا. ٹھیک کہہ رہی ہے, میں آج ہی جاتی ہوں بازار. فرحان کو چلی جانا, اتنی بھی جلدی کیا ہے بیٹا. ہاں ویسے اتنے دن گزر گئے اور یہ ساری چیزیں تو ہمیں دیکھنی چاہیے تھی نا. اب اگر آج اماں نہیں بولتی تو ہمیں احساس نہیں ہوتا اور نین تارا دلہن بن کے گھومتی رہتی. ارے نہیں بھائی, تم جاؤ بازار, جلدی جاؤ اور جا کے لے کر آؤ. ویسے تو سب نارمل ہے, لیکن آپ نے اپنے آپ کو پریگننٹ کیوں کہا؟ کیا مطلب آپ کا؟ اس الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ کے مطابق آپ کو کوئی پریگننسی نہیں ہے. مانا تمہارا شوہر جو میرا بیٹا تھا چلا گیا, لیکن یہ جو تم کر رہی ہو یہ صدمہ نہیں مذاق ہے جو تم میری ممتا کا اڑا رہی ہو. رب دلا وچ ہمارا ہونے والا بچہ بس, لیکن آپ کو سوشل ورک کرنے کا دن چڑھا ہوا ہے. لگتا ہے بھابھی مجھ سے تنگ آ گئے. تنگ تو سب تم سے آئیں گے نا مسز ارمان. یہ کیا حال بنا کے رکھا ہے تم نے؟ ایسی ہے میری بیوی, جانتی ہوں تمہیں اس طرح دیکھتا ہوں تو مجھے کتنی تکلیف پہنچتی. اب جلدی سے اچھی طرح تیار ہو جاؤ اور سب کو دکھا دو کہ تم کتنی خوبصورت ہو اور میری بیوی. میرے حال دم حیرم تو آ مجھے پار لگا دے, عشق دا زہر چکھا دے تو. جب مانگوں تب بھر دے جھولی رحمت دے, ضرورت سے زیادہ تو آپ کو اس کی فکر ہونے لگی ہے. خود پہ ذرا کنٹرول رکھیے ورنہ لوگوں کی زبانوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. آپ ایسے کیوں لیٹ گئے آ کر؟ طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ طبیعت تو ٹھیک ہے میری, لیکن مجھے تمہاری ایک بات بہت پریشان کر رہی ہے. کون سی بات؟ تم نے یہ کیوں کہا کہ میں خود پہ کنٹرول رکھوں؟ وہ میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا, اتنی سی بات کو دل میں لے کر بیٹھ. اتنی سی بات نہیں ہے وہ,
تمہارے دل و ذہن میں ایسے کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی نا جس کی وجہ سے یہ بات تمہاری زبان پہ آئی ہے. میں نے اس لیے کہا تھا کیونکہ نینتارا عدت میں اس کا آپ کے سامنے ایسا آنا مناسب نہیں ہے. سری کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ اس بیچاری کی حالت دیکھی ہے تم نے؟ کسی چیز کا ہوش ہے اسے؟ اچھا چھوڑے نا, پلیز مجھے مارکیٹ لے جائیں. اب کیا لینا ہے؟ کچھ لینا ہے نا, اٹھے. نہیں یار, میں تھوڑا ریسٹ کرنا چاہ رہا ہوں. آ کر ریسٹ کر لیے گا, ویسے بھی اب جاب تو ہے نہیں, صرف ریسٹ ہی ریسٹ ہے. آ کر ریسٹ کر لیے گا. ہاتھوں میں لال لال چوڑیے, رنگ برنگے کپڑے, یہ کیسا صدمہ ہے آپا؟ نصرت ٹھیک کہتی ہے, نینتارا کو عدت تک احتیاط کرنی چاہیے. آج میری بہن نے کہا ہے, کل کو اور لوگ بھی کہیں گے. اچھا کیا اماں, خالہ کے کانوں سے بات نکال دی. تو اور کیا, تم نے تو نینتارا کی طرف سے اپنی آنکھیں بالکل بند کر کے رکھی ہیں. ارے وہ تو میں نے محسوس کیا, وہ تو چلتی پھرتی قیامت سے کم چیز نہیں ہے. علم ہے مجھے اس بات کا, تبھی تو میں چاہتی ہوں کہ وہ یہاں سے بس چلتی پھرے. لیکن خالہ اور فرحان کو نا اس کی ہمدردی کا بخار چڑھا ہوا ہے. دیکھ لو بی, اگر یہ بخار فرحان کے سر چڑھ گیا نا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. کیا مطلب ہے آپ کا؟ تم اسے جتنا دبا کے رکھ سکتی ہو رکھو, اتنا ہی ٹھیک ہے. اگر وہ سر چڑھ گئی نا تو اس کو اتارنا مشکل ہو جائے گا. اس کی بات کی تو پریشانی ہے مجھے. بس دعا کرو خیر خیریت سے تمہارے یہاں بچہ ہو جائے, اللہ کرے بیٹا ہو, تمہارے اس گھر میں اور پلڑا بھاری ہو جائے گا. آمین. اچھا یاد آیا, مجھے اپنی رپورٹس بھی کلیکٹ کرنی ہے اور فائل بھی کھلوانی ہے اماں. ہاں تو ایسا کرتے ہیں نا, پہلے ہم صدر چلتے ہیں, وہاں سے نینتارا کے لیے سفید جوڑا خریدتے ہیں اور اس کے بعد ہاسپٹل چلے جائیں گے. ہاں کپڑے نا کھدر کے لیں گے تاکہ اسے بھی اپنی بیگی کی اوقات یاد آتی ہے. ارے تم فکر ہی مت کرو, میں ہوں نا تمہارے ساتھ. تھینک یو سو مچ, بہت گرمی اور پیاس لگ رہی ہے. ایسی حالت میں طبیعت اوپر نیچے ہو ہی جاتی ہے. ریڈ کلر تم پہ بہت جچ رہا ہے, اور جب تم ریڈ لپسٹک لگا کے میچنگ کی چوڑیاں پہنتی ہو نا تو آئی سوئر قیامت ڈھاتی ہو میرے دل پہ. مسز ارمان, آئی لو یو. سب ٹھیک تو ہے نا؟ ویسے تو سب نارمل ہے, لیکن آپ نے اپنے آپ کو پریگننٹ کیوں کہا؟ کیا مطلب آپ کا؟ اس الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ کے مطابق آپ کو کوئی پریگننسی نہیں ہے. یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ یہ میں نے الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ کہہ رہی ہوں. لیکن کل ہی آپ کے کلینک سے کال آئی ہے اور ان کے مطابق رپورٹس پازیٹو تھی پریگننسی کی. ویری اسٹرینج. چلے میں آپ کی فائل منگوا کے دیکھ لیتی ہوں, آپ تسلی رکھیں. مدر صاحب مجھے زرین فرحان کی فائل بھجوا دیں پلیز. اوکے بہت بڑی, ابھی آپ کی فائل آ جاتی. کیا لکھا ہے اس فائل میں؟ وہی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا. ایسا نہیں ہو سکتا, آپ کو ضرور کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. مس انڈرسٹینڈنگ مجھے نہیں, آپ کو کال کرنے والی نرس سے ہوئی تھی, کیونکہ ہمارے پاس ایک ہی دن میں دو مسز زرین کی پریگننسی کی رپورٹس آئی تھیں, اس میں سے ایک پازیٹیو تھی, آپ کی نیگیٹو. اس نے غلطی سے آپ کو کال کر دی. ارے یہ کیسا اسپتال ہے,
हवलदार किस्म की नर्सों को आप लोगों ने भर्ती किया हुआ है, गलत लोगों के गलत हाथ में रिपोर्ट दे देती है। देखिए हम सॉरी, गलती हो जाती है। आपके सॉरी कहने से मसला हल नहीं होगा। मेरी बेटी का तो दिल टूट गया ना, अगर वो मुझे नर्स मिल जाए ना तो मैं उसको तो मुंह तोड़ के रख दूं। चलो जरी। अरे ये अपनी रिपोर्ट तो लेती जाए। इस रिपोर्ट का मैं क्या करूंगी, गले में तावीज बना के लटकाऊंगी। रखे इसे अपने पास। चलो बेटा। अपने आंसू साफ कर लो, सामने फरहान बैठा है। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? आप लोगों ने इतनी देर लगा दी। अरे बेटा चेकअप करने में थोड़ा बहुत तो टाइम लगता है ना। तुम्हें क्या हुआ है, रोई हो? अरे रोई इसके दुश्मन। अब ऐसी हालत में ऊपर नीचे तबीयत हो ही जाती है ना, और डॉक्टर ने कहा कि इसका ख्याल रखना, इससे बच्चा सेहतमंद होगा। और हाँ ये भी तो कहा है ना कि इसे खुश रखना। हाँ आप बेफिक्र हो जाए, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगा। चले बाहर जा रहे हो, ऐसा ना हो कि कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए। अरे कैसी बातें कर रही हैं भाभी, ये सब कहने की बात है, कोई नहीं होना। जूती टूट गई, पाँव लाओ। आज तक जोरू का गुलाम सुनते आए थे, आज देख लिया। ये गुलामी नहीं है। हाय मेरे अल्लाह, क्या हुआ खाला? अरे ये देखो जरा, क्या कयामत की निशानी, अपनी भावज को तो देखो। क्या किया इसने? इससे बताओ इसका शौहर मर गया है। और ये देखो लाल अंगारा बनी बैठी है। बातें कर रही है, कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं। फरहान ये औरतों का मामला है ना, मैं हैंडल कर लूंगी, आप चैन दे। क्या हो गया नैनतारा, क्यों अरमान की रूह को तकलीफ पहुंचा रही हो? वो तो अब बेचारा मर चुका है ना, तुम ऐसे तैयार होके घूमती फिर रही हो। पहले की बात कुछ और थी, अब की बात कुछ और। अरे लेके जाओ इसे, इसके जाके कपड़े बदलवाओ। दुनिया वालों ने देख लिया तो हमारा मजाक उड़ाएंगे, तालियां बजाओ बजा के हंसेंगे हम पे। मैं तुम्हारे कपड़े चेंज करवा दूँ। पता नहीं किस ख्याल में ये सब कुछ कर गई। आई एम सॉरी भाभी। नैनतारा इट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। मुझे ना ऐसा फील हुआ कि अरमान भी यही चाहते हैं कि मैं ऐसे ही रहूं। बिल्कुल वो यही चाहता था ना कि तुम हमेशा तैयार रहा करो। वो तो अब रहे ही नहीं। ठीक कह रही थी, मुझे इस तरह देख के ना अरमान की रूह को बहुत तकलीफ पहुंची होगी। नहीं नहीं तारा, वो तो मैंने बस ऐसे ही अम्मा के सामने ऐसा कह दिया था, उसको तो बहुत खुशी होगी। चूड़ियां पहना करो, बल्कि
मैं तुम्हें अपने हाथों से तैयार करती हूँ, मेरी छोटी बहन हो ना तुम। नहीं भाभी, मैं बता रही हूँ ना, उसको बहुत खुशी होगी। बस ये जल्दी से चूड़ियाँ पहनो। मैं कह रही हूँ ना, मुझ पर भरोसा नहीं है, मुझ पर भरोसा नहीं है। अभी ये आप क्या करें? नहीं भाभी, मैं बता रही हूँ, यही चाहता है। उस पर भरोसा नहीं है क्या? मैं कह रही हूँ ना, अरमान को बहुत खुशी होगी। आप यहाँ नमाज पढ़ रही हैं और वहां पर आपकी नेक नामी पर पानी फेर रही है वो। क्या हो गया, किसकी बात कर रही हो तुम? अब मेरी जरी तो ऐसी है नहीं, ना इतनी बेदीद है और ना ही वो ऐसी हरकतें करती है। आपकी छोटी बहू की बात कर रही हो। नैनतारा? जी हाँ। क्या किया नैनतारा ने? वो बाहर आपकी नेक नामी की धज्जियां उड़ा रही है। नुसरत, क्यों पहेलियां बुझवा रही हो? जो बात है साफ साफ क्यों नहीं कहती हो? लाल जोड़ा पहनकर बाहर मटक मटक के घूम रही है वो। अभी तो अस्पताल से आई है, ऐसा क्यों करेगी वो? देखें आपा, मैं आपके साथ झूठ क्यों बोलूंगी? मैं तो कह रही हूँ ना, आप आए जरा खुद चलकर देख लें। उठें आप जरा, आए खुद देखें अपनी आंखों से। अब तो आपको यकीन आ गया ना? माना तुम्हारा शौहर जो मेरा बेटा था चला गया, लेकिन ये जो तुम कर रही हो ये सदमा नहीं मजाक है जो तुम मेरी ममता का उड़ा रही हो। खाला, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, चलें आप कमरे में। अरे आपा को मैं नहीं चलती हूँ, तुम जरा उसका मुंह साफ करो। आए गए लोगों का घर है, इसकी वजह से हम तमाशा नहीं बनना चाहते। उसका मेकअप साफ करो। मन में जलन है कैसी, तन में दुखन है कैसी, राख हुई है जिंदड़ी लागी रबा, मेरे हाल दम है रम तू आ मुझे पार लगा दे तू, ओ रबा मेरे हाल दम है रम तू, इश्क दा जहर चखा दे तू। बस फिकर है, वो तो पराई है, वो क्या समझेगी आपके दुख को? बहुत मायूस किया मुझे नैनतारा ने, बहुत मायूस किया। कैसे आपने उसको अपनी आंख का तारा बनाया हुआ था और उसे जरा सा भी एहसास नहीं हुआ आपका? क्या मम्मी, वो क्यों रही है? कुछ नहीं, बस अरमान की याद आ गई थी मुझे। अरे आप बताएं ना, असल बात तो बताएं,
क्या आपको अपनी बहू की वजह से दुख पहुंचा है? किसकी वजह से? नैनतारा की वजह से। अभी तुमने देखा नहीं कैसे बाहर लाल जोड़ा पहनकर बैठी हुई थी? हाँ तो उसमें क्या है? अरे वो बेवा है और बेवा पे सारे रंग हराम है। और ये किस हदीस में लिखा है? भाई हमारे माशरे का तो यही दस्तूर है, बेवा सिर्फ सफेद रंग पहनती और कोई रंग नहीं। सीरियसली अम्मी, अब ऐसी फजूल बातों पे अपना दिल छोटा करिए। फरहान मैं माँ हूँ, जालिमों ने मेरे हंसते खेलते बच्चे को खून में नहला दिया और वो उसी के खून के रंग का जोड़ा पहने फिर रही थी। तो और क्या, आपा का इतना दिल दुखा है और उस लड़की को जरा सा भी एहसास नहीं हुआ? नहीं, कम से कम मुझे आपसे इस तरह के जज्बात याद की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। तो माँ के जज्बात नहीं समझ सकते? अरे आपा इसे क्या पता, ये तो कल का बच्चा है। शुक्र करें किसी हमसाए ने नहीं देख लिया, वरना तो सौ सौ बातें बनती। बातें तो खैर अभी भी कम नहीं बन रही। तभी मैं चेंज कर दूंगी, सब सफेद कर दूंगी। हाँ तुम्हारे वो मेकअप का सामान तो तुम्हें उसकी भी जरूरत नहीं होगी ना, मैं इसको ना मैं फेंक देती हूँ उसको। भी अब सफेद ही पहनोगी तो रंग बिरंगे कपड़ों की तो कोई जरूरत नहीं है, मैं उसको भी फेंक देती हूँ। खुशी से ये सब नहीं कर रही हूँ, तो खाला के ऑर्डर्स हैं। जब भी तुम्हारे कमरे में रंग देखती है ना तो अरमान की उनको बहुत याद आती है। तारा मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ मैं तारा। किनारा किस्मत जाने में
जाते जा